लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद से ही नेताओं में दल बदलने की होड़ सी लगी हुई है। इसी क्रम में आज सपा के पूर्व परिवहन मंत्री और मौजूदा स्टार प्रचारक मानपाल सिंह वर्मा ने सपा से इस्तीफा दे दिया और दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। मंत्री के चले जाने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बाबूजी, आज समाजवादी पार्टी ने इस्तीफा दिया है, आखिर क्या कारण है, क्या वजह इस्तीफा देने का? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में अच्छे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है और मैं जैसा भी हूँ, आप मेरे बारे में 45 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे विरुद्ध कोई कब्जे की, मेरे चरित्र के संबंधी, किसी को लूटने की, किसी को रिश्वत खाने की कोई भी आरोप शायद संभवतः आपने न सुना हो। इसके बाद भी पार्टी ने मेरी उपेक्षा की और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन के बाद तो मैं काफ़ी दिन से घुटन महसूस कर रहा था और टिकट की वजह से होती तो मैं पार्टी में रहता ही क्यों। 17 में जब मेरा टिकट काटा उसके बाद मैं सब जगह मैंने दायित्व निर्वाह किए। समाजवादी पार्टी के जो कार्यक्रम अभी सारे प्रदेश में चलाए गए उनके लिए मेरी पत्नी के बीमार रहते हुए भी मैंने शाहजहांपुर का दायित्व संभाला और तनवीर खां वहाँ के जो बहुत समाजवादी पार्टी के बहुत संघर्षशील और बहुत ही अच्छे अध्यक्ष हैं उनके साथ मैंने 9 विधानसभाओं में सभी में जाकर के पार्टी के कार्यक्रम को गति दी और सारे यहाँ तक के वहाँ के लोग भी मुझसे इतने प्रभावित थे कि मेरे चुनाव में ये समझ रहे थे कि संभवतः मुझे टिकट मिलेगी तो उनको वहाँ BSP के कोठे में गई है तो वो लोग यहाँ आने को तैयार थे। तो लगता और... नहीं आपने पार्टी को टिकट ना देने का नहीं कतई नहीं ऐसा नहीं है था? ऐसा है ये बात अगर समाजवादी पार्टी छोड़ी जाए भाई ये बैठे आप स्वयं पूछ लें, इतने लोग बैठे हैं यहाँ, मैं रात ही कल ही आया हूँ तो इसलिए तो स्टार प्रचारक भी रहे हैं प्रदेश में। नहीं नहीं मैंने कोई प्रचार नहीं किया है, मुझे जानकारी सिर्फ आप ही के माध्यम से मिली है, मुझे कोई इसका पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ। तो लगता कहीं ना कहीं सभा में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। अब मतलब मेरा नहीं था इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी। अखिलेश जी पे पहले भी इल्जाम लग चुके हैं। नहीं ना, मैं उनके बारे में सफाई उन्हीं से पूछी, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सभा को उठाना पड़ेगा। ऐसा है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी अपने पूर्व निर्धारित सिद्धांतों से हट रही है और पुराने लोगों के बारे में पार्टी की अच्छी राय प्रतीत मुझे नहीं हो रही है और आगरा मंडल में और यहाँ जो मतलब प्रदेश में ही आप समझ लीजिए कि हमारे समाज के लोग भी उपेक्षा महसूस करते हैं। यहाँ 22 MLA भारतीय जनता पार्टी के हमारे समाज के हैं, वहाँ पर मात्र एक टिकट दी गई है तो ये अपने जो हमारे समाज के लोग हैं वो भी बहुत आशा लगाए। शाक हैं, मौर्या हैं, बघेल हैं, इस तरह के कश्यप हैं, निषाद है, मल्ला है, चार मंडलों में कोई तो यहाँ अपने पास पड़ोस में कहीं कुछ है तो मैं समझ गठबंधन फ्लॉप होता नजर आ रहा है। नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो जनता जाने, ये तो जनता जवाब देगी इस बात का। तो